कल मैंने अंधेरे में देखा, एक क्षण के लिए विश्वास नहीं हो सका कि हम दोनों के बीच पूरी रात पड़ी है। आज के दिन को अलग करती हूँ। तुम होटल में ही रहोगी? मैंने उसकी ओर देखा, और कहाँ जाऊँगी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, कल हम सारा शहर घूमेंगे। लेकिन मैं कल के बारे में नहीं सोच रहा था। उसका जाना मुझको असंभव सा लग रहा था। मैं एक छोटी सी बार जानता हूँ, वह ज़्यादा दूर नहीं है, हम वहाँ जा सकते हैं। मुमकिन है ये हिस्सा मैंने पहले पढ़ा हो, लेकिन ये अद्भुत हिस्सा है, वो हिस्सा जहाँ धीरे धीरे एक गाइड को ये लगने लगता है कि ये लड़की तो पर्यटक है और चली जाएगी तो कठिनाई होती है। कठिनाई होती है मतलब पाठक को कठिनाई नहीं होती, कठिनाई हमारे नायक को होने लगती है, और यहीं से शायद प्रेम की शुरुआत होती है। कठिनाई का मतलब है पात्रों में उलझ जाने से जो कठिनाई होने लगती है भावनात्मक, वो और वो लेखन की सशक्तता है। ये नहीं कि मतलब प्लॉट कमज़ोर लगने लगा या कम विश्वसनीय लगने लगा इसलिए कठिनाई, इसलिए नहीं, बल्कि उसके उल्टा, वो कठिनाई जो नायक को हो रही है, यानी कि हम एक तादाद में बिठा लेते हैं नायक के साथ और बंध जाते हैं कथा में। तो आशा है कि आप मेरे सर्दी ज़ुकाम के लिए मुझे माफ़ करेंगे, मेरी सर्दी और मेरे ज़ुकाम के लिए मुझे माफ़ करेंगे, मेरी खांसी के लिए। कोरोना की गहरी रात है, और जब निर्मल जी के साथ मेरी चिट्ठी पत्री हो रही थी तो हमने द मैजिक माउंटेन की भी चर्चा की थी, तो बहुत सी बातें होती हैं। वो पूरा उपन्यास ही एक अस्पताल के इर्द गिर्द है। उस वक्त यूरोप में ट्यूबरकुलोसिस बहुत बड़ी बीमारी थी, जैसे कि आज के संदर्भ में मैं कहना चाहती थी कुछ बीमारियों के नाम लेकर। लेकिन फिलहाल कोविड ने सबको परास्त कर रखा है, इसलिए तो ये जब कहता है कि मैं एक छोटी सी बार जानता हूँ, वह ज़्यादा दूर नहीं है, हम वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद उसने मेरी ओर देखा, वह बहुत गंभीर दिख रही थी। उसके बाद हम बुदापेस्ट जाएंगे, वहाँ वे तोकाई देते हैं और हंगेरियन पैपरिका, मैंने कहा। उसके बाद जैसा तुम चाहो। उसके बाद उसने हंसते हुए मेरा कोट पकड़ लिया। आई विल डाई। पहली बार मुझे लगा जैसे उसकी हंसी में अपनापन है, जो दिन भर नहीं था, कुछ ऐसा जिसे हम शुरू कहते हैं। देखिए, ये भाषा है, यहाँ शुरू से अर्थ है एक रिश्ते की शुरुआत, एक प्यार की शुरुआत, एक नई जिंदगी की शुरुआत, जो कि मौत के नाम से हो रही है। और लड़कियाँ ऐसा कहती हैं, आई एम गोइंग टू डाई नाउ, एंड दे मीन इन एक्सटेसी। शायद ये भी ऐसा ही कह रही हैं, और कहीं ना कहीं उसमें जीवन की क्षण भंगुरता का संकेत होता है। मेरी निगाहें बरबस उसके चेहरे पर उठाई। वह होटल के गेट के सामने खड़ी थी, पोर्च के मध्यम आलोक में स्कार्फ में बंधा उसका सिर बार बार हिल जाता था। एक अजीब सी आशंका ने मुझे पकड़ लिया, सिर्फ एक पल के लिए। मैंने उसे पहले नहीं देखा था, उस पगली आकांक्षा को। वह एक विस्मयकारी डर से जुड़कर ऊपर उठी थी। मैंने उसे वहीं पड़े वहीं गिर जाने दिया, उस आदमी की तरह जो हल्का सा खटका होते ही चुराई गई चीज को नीचे गिरा देता है, यह दिखाने के लिए कि यह उसकी नहीं है। इस आशा में कि खतरा टलते ही वह फिर उसे उठा लेगा।
देखो उधर, उसने मेरे हाथ को झिझोड़ते हुए कहा। पोर्च के बाहर एक अजीब सा डर उसकी आंखों में सिमट आया था। कुछ भी नहीं था, सिर्फ बर्फ गिर रही थी। लैंप पोस्ट के दायरे में रूई के गालों से सफेद और खामोश। मैं चलती हूँ, उसने मेरी ओर देखा। कल, उसने कहा। उसके होटल का दरवाज़ा खोला, अपना स्कार्फ और दस्ताने उतार दिए, फिर भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मैं निश्चिंत हो गया। उसका भय वहीं गिर गया था जहाँ मेरी आकांक्षा थी। दोनों उस रात वहीं पड़े रहे, एक दूसरे से बेखबर। ब्लानिक सिनेमा के नीचे उतर कर इजोरा आता था, इजेरा। ऊपर सेल्फ सर्विस का कैफेटेरिया था, वह 9 बजे बंद हो जाता था, वह अब खाली था। एक लंबी लड़की सिंक के नलके में प्लेट धो रही थी। काउंटर के पीछे एक बूढ़ी स्त्री बैठी थी, दिन भर का जोड़ हिसाब करने में मगन। उसके होंठ पैसों की गिनती में धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे। दूर से लगता था जैसे वह कैश बॉक्स पर सिर झुकाए प्रार्थना कर रही हूँ। इजेरा बार नीचे बेसमेंट में था। वहाँ जाने के लिए कैफेटेरिया की सीढ़ियों से उतरना पड़ता था। मैं नीचे आया, चारों ओर देखा। दो तीन मेजों के अलावा सब मेज खाली पड़े थे। है ना? तो देखिए क्या बारीक वर्णन है। अगर आप होटल में जाते हैं तो वहाँ के समूचे माहौल का, तो मैं तो वर्णन करती ही चल रही हूँ निर्मल जी के महान लेखन का, और तारीफ भी कर रही हूँ। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसलिए नहीं केवल कि मैं तारीफ़ कर रही हूँ, इसलिए कि मैं एक सच्ची समीक्षात्मक पाठ, सच्चा समीक्षात्मक पाठ आपके सामने रखना चाहती हूँ सुनने के लिए।